Hey guys, welcome back to my channel. शादी सीजन स्टार्ट होने वाला है तो आज का मेकअप है ब्राइड टू बी और न्यूली वेड ब्राइड जिनको मेकअप में थोड़ा प्रॉब्लम होता है. तो आज में हम लोग करेंगे कहीं भी अगर हम लोग को आसपास डिनर में आफ्टर मैरिज जाना होता है तो हम लोग मेकअप कैसा करें, कौन सा प्रोडक्ट यूज करें, उससे रिलेटेड आज का मेकअप. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. आज मैं फेस प्रेप पहले से करके रखी हूँ. आज जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी सारे के सारे अफोर्डेबल होंगे अंडर 1000 रुपीज़ में. तो फर्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर क्योंकि मैं स्किन केयर पहले कर चुकी हूँ. और प्राइमर के लिए मैं इनसाइट कॉस्मेटिक्स का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ 3-in-1. एज यू ऑल गाइस कैन सी कि मुझे ढेर सारे पिम्पल हो रखे हैं तो उस पर मेकअप करने में थोड़ा इशू आता है. लाइक अच्छे से अगर हम लोग बेस प्रिपेयर कर लें, प्राइमर यूज़ कर लें तो हम लोग का स्किन एकदम प्लेन हो जाता है. जितने भी टेक्सचर है पिंपल वाले वो थोड़े मिनिमाइज हो जाते हैं. इसको अच्छे से वॉर्म करके मैं सिर्फ जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहीं अप्लाई कर रही हूँ. फुल ऑल ओवर द फेस लगाने की कोई नीड नहीं है. नेक्स्ट स्टेप है हम लोग का कलर करेक्शन के लिए मैं यूज़ करती हूँ मार्स कॉस्मेटिक्स का पैलेट जिसमें सारे कंसीलिंग पैलेट होते हैं, कलर्स अवेलेबल है. तो मुझे रेडनेस है तो मैं ग्रीन यूज़ करने वाली हूँ. थोड़ा थोड़ा लेके जहाँ पे भी प्रॉब्लम है वहीं पे लेके ब्लेंड कर देंगे, एक्सेस प्रोडक्ट नहीं लेंगे. और इसको प्रॉपर गायब नहीं करना है, ये हमेशा याद रखिएगा कि जो भी हम लोग कलर करेक्शन करते हैं उस कलर को गायब नहीं करते हैं. गायब कर देंगे तो कोई यूज नहीं रह जाएगा. जहाँ पे भी हम लोग ग्रीन यूज़ करते हैं या ऑरेंज यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अपना बेस नहीं यूज़ कर सकते, उसे न्यूट्रलाइज करेंगे हम लोग अपनी स्किन के 2 टोन डार्कर कंसीलर से. वो ग्रीन को न्यूट्रलाइज कर देगा. अभी आप देख सकते हैं मेरे जो रेड पिंपल थे वो अब स्किन टोन के हो चुके हैं तो इसलिए हम लोग ग्रीन कलर यूज़ करते हैं. अब इतना विजिबल नहीं है मेरे पिंपल. जहाँ जहाँ हम लोग ग्रीन यूज़ किए हैं वहाँ वहाँ पहले न्यूट्रलाइज कर लेंगे. अंडर आइज़ के लिए आप येलो कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको थोड़े बहुत डार्क सर्कल हो, लाइक रिजिड डार्क सर्कल ना हो. तो आज हम लोग येलो यूज़ करने वाले हैं. मुझे डार्क सर्कल इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा बहुत डार्कनेस है मेरे अंडर आई में तो उसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे. और उसके बाद अब हम लोग अपना इस पॉइंट पे बेस अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपको लिक्विड प्लस एक्स्ट्रा लगाने की आदत हो तो उसे भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपको आपका माउथ एरिया भी डार्क लगे तो वहाँ पे भी डार्कर टोन कंसीलर अप्लाई करके उसे टोन डाउन कर सकते हैं. कलर करेक्टिंग हो चुका है तो हम लोग बेस अप्लाई करेंगे. मुझे यूज़ करना है लिक्विड
ग्लव्स, बट मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगी। मैं फेशियल के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी, थोड़ा सा ही फाउंडेशन ली हूँ मैं, और मैं हमेशा ब्रश से अप्लाई करती हूँ फाउंडेशन, तो एज यूजुअल आज मैं ब्रश से ही अप्लाई करूँगी अच्छे से कोट करके अपने ब्रिसल्स। अंडर आई एरिया पे हम लोग नहीं लगाएंगे, अंडर आई, आईलेट, इन सब पे हम लोग फाउंडेशन नहीं यूज़ करते हैं। जहाँ नीड होती है सिर्फ वही फाउंडेशन यूज़ करते हैं। लेयरिंग ज़्यादा कर देंगे तो इसकी मेकअप क्रीज करने लगेगा, केकी हो जाएगा, तो इसलिए भी हम लोग नहीं अप्लाई करते हैं। और समर सीजन में पाउडर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं कि हम लोग की स्वेटिंग को कंट्रोल करें। फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, अब इस पॉइंट पे हम लोग ब्लश अप्लाई करेंगे। ब्लश को डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, ब्लश के लिए आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आज ब्रश यूज़ करने वाली हूँ, ऐसा फ्लफी सा ब्रश लेके। ऐसे ब्लेंड कर देंगे अच्छे से। अभी हम लोग फेस हाईलाइट करेंगे। फेस हाईलाइट करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं लिक्विड कंसीलर, जो हमारे स्किन टोन से लाइट हो, और ये स्विस ब्यूटी का है, तो काफ़ी हाई कवरेज है, थोड़ा थोड़ा ही इस्तेमाल करेंगे। अपने हाई पॉइंट्स पे ही अप्लाई करेंगे। अब इसको हम लोग ऐसे ब्रश के साथ ब्लेंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं फोरहेड से, सर्कुलर मोशन के उससे हम लोग ब्लेंड करते हैं। हम लोग पाउडर से अपने बेस को सेट कर लेंगे, और पाउडर भी मैं मेबलिन का यूज़ कर रही हूँ फिट मी, और पाउडर मैं पाउडर पफ से लगाने वाली हूँ। थोड़ा सा लेके उसे अपने बैक ऑफ द हैंड स्मूथ आउट करके फिर से डैब डैब करके लगाएंगे। डायरेक्ट लिए और डायरेक्ट लगा लिए तो ऐसे कहीं एक्स्ट्रा लग जाता है, कहीं कम लगता है, तो उस हिसाब से लगाते हैं। ब्लश के पास नहीं लगाए थे, क्योंकि पाउडर लगा के फिर पाउडर ब्लश लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, उस पर एक और लेयर लग जाएगा पाउडर का, फिर पाउडर ब्लश का, तो हम लोग डायरेक्ट पाउडर ब्लश यूज़ करेंगे। और मैं पाउडर ब्लश के लिए यूज़ कर रही हूँ कलर बार, ये काफ़ी वेलवेट टेक्सचर का ये ब्लश है, इसका फील वेलवेटी है। एक्सिस टैप करके हाथ में लगा के फिर मैं लगा रही हूँ, डायरेक्ट नहीं लगा रही, और मैं डब्लू नहीं क्रिएट कर रही हूँ, मैं चिजल लुक चाह रही हूँ, तो इसलिए लाइक स्ट्रेट एल शेप में मैं लगा रही हूँ। इस पॉइंट पे हम लोग अपना बेस सेट कर लेंगे फिक्सर से। जब आपका फिक्सर 90% ड्राई हो जाएगा तो हम लोग ब्लश अप्लाई करेंगे, हाईलाइटर अप्लाई करेंगे। ये के ब्यूटी का है, थोड़ा ही थोड़ा लगाएंगे। अगर आपको हाईलाइटर ज़्यादा पसंद है तो आप लगा सकते हैं।
ये टोटल आपके ऊपर है, सिर्फ हाई पॉइंट्स पे मैं लगाई हूँ। आईब्रोज करेंगे, आईब्रोज के लिए मैं यूज कर रही हूँ टैटू ब्राउ बाय मेबलिन। अब इसको करने के बाद, इसको लगाने के बाद एक बार अच्छे से ब्रश कर लेंगे फिर से। सेट कर देता है ब्राउज को आपके। लिपस्टिक के लिए मैं यूज लिपस्टिक में लगा रही हूँ पिंक टोन में, और लिप लाइनर मैं यूज कर रही हूँ मार्स का स्टीमी पिंक। लिपस्टिक में क्रॉस ब्यूटी का यूज कर रही हूँ इन द सेट ड्रामा मामा। मैं हमेशा लिपस्टिक वॉन क्लियर करके लगाती हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होता है। आफ्टर क्लीनिंग भी परफेक्ट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी परफेक्ट होती है कि आप अच्छे से लगा लें। आई शैडो के लिए कंसीलर लगाएंगे, उसे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे कंसीलर ब्रश की हेल्प से। पाउडर लेंगे फिंगर पफ पे, उसे स्मूथ आउट कर लेंगे एक बार, ऑल ओवर द लिड डैब डैब कर लेंगे। उसका जो भी एक्सेस प्रोडक्ट था पाउडर का वो लोग क्लीन कर लेंगे। आई शैडो पैलेट के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं मेबलिन का आई शैडो पैलेट, और बहुत इजी आई शैडो मैं बताने वाली हूँ जो आप छत से कर लें। एक डार्कर शैडो लेंगे, ये ब्राउन शैडो लेते हैं हम लोग, एक्सेस टैप कर देंगे और एक क्रीज से लेके यहाँ पे फेस यहीं पे करेंगे सिर्फ अंदर के साइड। बस यहीं पे प्लेस करेंगे, सेम हम दूसरे आईज पे भी करेंगे। वैसे आई का शेप क्लियर हो जा रहा है, बस यही पे हम लोग को करना है इतना ही प्लेस पे। अब इसे हम लोग एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ ब्लेंड करेंगे। अब हम लोग कोई प्रोडक्ट नहीं दिया, सिर्फ ब्लेंड करना है, ब्लेंड करना है अच्छे से। जब तक ब्लेंड ना हो जाए ब्लेंड करते रहिएगा, क्योंकि हम लोग को हार्श लाइन अपने आई शैडो में नहीं चाहिए। ये कुछ हद तक ब्लेंड हो चुका है, सेकंड वाला भी ब्लेंड करते हैं।
तो सेम पैलेट का लाइटेस्ट शेड लेंगे, लाइक ये पिंक ही है थोड़ा, उसको लेंगे, टैप करेंगे ऊपर ऊपर ऊपर, ब्लेंड कर देंगे सो डेट हमको ट्रांजिशन शेड मिल जाए। क्रीज हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, जितना भी फ्री स्पेस है वहाँ पे हम लोग लगाएंगे शिमर। तो पहला शिमर हम लोग थोड़ा पिंकियर शेड लगाएंगे, ये फिंगर से ही लगा रही हूँ मैं, मिडिल फिंगर से। मिडिल पार्ट पे लगाना है ये याद रखिएगा। अब अंदर साइड हम लोग ये लगाएंगे, सेम हम लोग लोअर लैस लाइन पे भी करेंगे, बट उससे पहले हम लोग पिंक काजल यूज करने वाले हैं अपने लोअर लैस लाइन में। ब्रश लेंगे, डार्कर शेड लेंगे, उसे स्मज करेंगे। सेम सेकेंड आईज में भी करेंगे। उससे लाइटर शेड लेंगे जो हम लोग ऊपर लिए थे सेम शेप को। ब्लैक कोल कोल की बाय कैटरीना का है, सिर्फ आउटर साइड में मैं कर रही हूँ। मास्कारा मैं मास्क का यूज कर रही हूँ। अब मैं थोड़ी सी तैयार होके बाल बना के फिर आती हूँ। दिस इज माई फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आगे आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं और मैं किस तरीके की वीडियो बनाऊँ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।